देश में लोकसभा चुनावों का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 19 अप्रैल को देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 102 सीटों पर कुल 1625 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें से 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं। पिछले आम चुनावों यानी कि 2019 की बात की जाए तो इस चरण से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जो 40 रही। इसके बाद डीएमके 24 और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहते हुए महज 15 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। इसके अलावा 23 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती थी। अब मतदान से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR ने इन्हीं 1625 प्रत्याशियों में से 1618 प्रत्याशियों द्वारा हलफनामे में दी गई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें से करीब 252 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं 450 यानी कि करीब 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। 10 ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि 3 के पास 300 से 500 रुपए की संपत्ति है। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इनमें से करीब 160 उम्मीदवारों पर हत्या और किडनैपिंग जैसे गंभीर मामलों के तहत मुकदमा चल रहा है, यानी कि सीरियस केसेस हैं। 7 पर हत्या और 19 पर हत्या की कोशिश के तहत मामला चल रहा है। 18 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, इनमें से 1 पर रेप का मामला भी दर्ज है। वहीं 35 कैंडिडेट्स पर हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात की जाए तो इसमें सबसे अव्वल डीएमके है, जिसके 29% प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस है। दूसरे स्थान पर RJD 27%, तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी 20%, चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस 18% और पांचवें स्थान पर इसमें बीजेपी का नंबर है, जिनकी संख्या लगभग 17% है, और फिर अन्य पार्टियां इस लिस्ट में जुड़ जाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पहले चरण के मतदान की बात कर रहे हैं, यानी 102 सीटों में से ये जो हमने आपको डेटा बताया, ये 102 सीटों में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनका डेटा है। हर चरण से पहले आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इलेक्शन के पहले फेज में 1618 उम्मीदवारों में से 450 यानी कि 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की संपत्ति है। कैंडिडेट्स के पास औसत संपत्ति 4.51 करोड़ यानी कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होता है उन सीटों में बीजेपी के सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार हैं, जिनकी संख्या लगभग 69 है। इसके बाद कांग्रेस के करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 49 है, और वहीं AIDMK के 35, DMK के 21, इस लिस्ट में BSP के 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं और TMC और RJD के 4-4 उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार नकुलनाथ हैं, जो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में हैं। वो कमलनाथ के बेटे हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी संपत्ति करीब 716 करोड़ रुपए है। दूसरे स्थान पर अशोक कुमार हैं, जो कि AIADMK से चुनावी मैदान में है और उनकी संपत्ति लगभग 662 करोड़ रुपए है। और इसके साथ तीसरे स्थान पर भाजपा के देवनाथन यादव 304 करोड़ रुपए के साथ हैं, यानी कि ये जो बड़ी संख्या है, यानी कि करोड़ों हजारों करोड़ों की जो इनकी जो संपत्ति है वो ADR की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ साथ ADR ने अपने चुनाव के जो सातों चरण हैं उनमें कितने कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, कितनी कितनी सीटों पर है, किन पर क्रिमिनल केसेस है, किन का रिकॉर्ड साफ है, सारी चीज़ें वो आपको बताई है, और वो हम आपको उस चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल, क्या कहना चाहते हैं आप इन प्रत्याशियों के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।